यूपी के रामपुर में झोला छाप डॉक्टर आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं, पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर मोटी रकम वसूल कर इन फर्जी डॉक्टरों को लोगों की जान लेने के लिए छोड़ दे रहा है। ताज़ा मामला रामपुर से सामने आया है, जहां शाहबाद गेट स्थित अमीना चाइल्ड केयर सेंटर अस्पताल में इलाज के दौरान 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए निजी अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट हुई, इससे अफरा तफरी मच गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने हंगामा शांत कराया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। हाँ सूरज, क्या हुआ, पूरी बात बताओ। सर, हमने परसों इसको शाम के टाइम भर्ती करा था, ठीक, इसके सब भर्ती करा था तो इसके रिपोर्ट में सिर्फ नमोनिया आया था। तो सुबह इनसे मतलब इनके कंपाउंडर से डॉक्टर जीजू ने मना करा था कि इंजेक्शन मत लगाइए। इन्होंने 3 इंजेक्शन एक साथ लगा दिए। इनको बहुत बार मना करा कि इंजेक्शन मत लगाइए। इनका जो हुसैन नाम का कंपाउंडर जो वो डायरेक्ट ये बोला कि डॉक्टर हमें क्या तुम हो, तो वो फिर किसी बात पे नहीं माना, उनने इंजेक्शन लगा दिए। अच्छा, फिर बच्चा ठंडा हो गया। फिर बच्चा शरीर ठंडा होने लगा, हल्के हल्के बच्चे की सांस निकल गई। फिर वहाँ से डायरेक्ट उन्होंने यहाँ पर भेजा, हमने यहाँ पर दिखाया तो बच्चे की डेथ हो चुकी थी। अच्छा, कितने साल का बच्चा था वो? 8 महीने। 8 महीने। आपके कौन थे वो? मेरा भांजा था। अच्छा, कब भर्ती किया था आपने? भर्ती परसों 2 दिन पहले किया था। तीसरा दिन है आज। जी, आज तीसरा दिन है। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पर है? अमीना चाइल्ड केयर शाहबाद गेट पर खास। पहले भी कई घटनाएं इसकी आ चुकी हैं क्या, बच्चे की ख़त्म होने की पहले और बच्चे भी? हाँ, हो चुके होंगे। जब इस तरीके से हुई है तो जब अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनके आगे बच्चे होते तो इनको पता चलता।